गाइस क्या हाल चाल है? ओ कहना एनीवन ने पहल क्या ओ भाई मेरी बात सुनो। अरे अरे क्या हो गया डगमगा कर रहे हो? अरे कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन मी व्हाट हैपेंड। अरे अरे यार एक बार बताओ यार क्या बात क्यों बुलाया यार हमें शिनचैन भैया ने इधर? क्या बात है मेरे को खुद नहीं पता है। हाँ हमें खुद नहीं पता है यार हम लोग तो बस आ गए हैं यहाँ पे। अरे यार मैं भी नहा धो के सुबह सुबह तैयार हुआ, शिनचैन भैया ने बोला कि मेरा ऑर्डर है सब चुपचाप से नीचे मिलो और थोड़ा सा साइड में सिक्योरिटी से दूर होकर के। अभी तो फ्रैंकली भैया माइकल भैया और ब्रूनो तो सो रहा है, ये सब लोग भी उठे नहीं है। तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस यार आज करने वाले हैं हम एक बहुत बड़ी कॉमेडी नहीं आज हम बहुत ज्यादा फ्रैंकली भैया को आज हम करने वाले हैं दिमाग से बिल्कुल ही पैदल। गाइस मतलब उसको उनको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं फ्रैंकली भैया के साथ ऐसे करने वाला हूँ कि फ्रैंकली भैया उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तड़प जाएंगे और फ्रैंकली भैया का दिमाग खराब हो जाएगा। बाबा सब क्या बात है भाई, सिंचन क्यों बुलाया भाई मेरे को इतने सुबह सुबह? अरे तुम्हें ही नहीं चप्पो मेरे को भी बुलाया। मेरे को भी यहाँ बताओ सिंचन भैया धक्का मारने को नहीं बोला? अरे यार सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता ही है कि आजकल फ्रैंकली भैया की किससे बन रही है? ऑब्वियस ही बात है अपने घर के छोटे ब्रूनो से। तो गाइस हम अरे ओ कहीं आपका कैसा कोई प्लान तो नहीं है कि आप ब्रूनो को मारना चाहते हो? अरे पागल है क्या, हिमावारी हमारा छोटा भाई है ब्रूनो, हम उसे क्यों मारेंगे? बात सब तो बात बता साला, अगर तूने ब्रूनो को कुछ बोला तो मैं तेरे काट दूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है, आज हम चाहते हैं कि फ्रैंकलिन भैया कैसे तड़पे। अब बात सब तो तू फ्रैंकलिन को तड़पाना क्यों चाहता है? आज हम ना ऐसे करते हैं चुपचाप से ना ब्रूनो को उठाते और लेकर के चलते हैं और फ्रैंकलिन भैया को तड़पने देते हैं। बाबा साहब ऐसी बात है क्या, और नहीं तो क्या? बाबा साहब अब देखियो क्या बोले, ब्रूनो को बुला तो ले। हाँ मैं बुलाता हूँ। अरे ब्रूनो, अरे ब्रूनो, अरे मैं ना फ्रैंकली भैया के साथ ही सोता हूँ, फ्रैंकली भैया फ्रेश होने गए हैं। फ्रैंकली भैया मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई ब्रूनो? अरे फ्रैंकली भैया मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके सो गाइस देखो मटक मटक के ठमक ठमक के मैं चला अपने शिनचैन भैया के पास। शिनचैन भैया ने बुलाया है, पता नहीं किस चक्कर में बुलाया है। अरे गाइस दिख रही हो ना, और गाइस मजा बहुत आता है। रात के टाइम चिकन खाओ, सुबह के टाइम बिरयानी खाओ, आ क्या मजा आता है। यहाँ पे तो जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा फ्रेश हो चुकी है गाइस, और पता है इससे भी ज्यादा मजा आता है और खेलने में भी बहुत मजा आता है। सब लोग मुझे अच्छे से खिलाते देख रहे हो ना गाइस? और गाइस आप सभी लोग मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हो ऑडियंस, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अरे हाँ शिनचैन भैया बताओ क्या क्या हुआ? अरे अरे ब्रूनो उठ गया? अरे हाँ फ्रैंकली भैया उठे नहीं उठे? अरे फ्रैंकली भैया उठ गए हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेश होने गए हैं। अरे ब्रूनो चलो स्कूल चलते हैं, लेकिन फ्रैंकली भैया किसे बिना बताए मैं नहीं जाऊँगा। अरे ब्रूनो यार तू मेरी बात तो सुन यार, फ्रैंकली भैया तो आते रहेंगे, अभी तेरे को ना हमें चलना है स्कूल जल्दी से। अरे लेकिन आज ऐसा है क्या? अरे ब्रूनो तुझे नया नया एडमिशन है तो टीचर ने बुलाया था कुछ चीज़ समझाने के लिए, तो हम तेरे को लेके चलते हैं। अरे नहीं मैं फ्रैंकली भैया के साथ आ जाऊँगा। बाबा सब ब्रूनो चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा? अरे ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली भैया को बता के आता हूँ। अरे अरे रुको, ये ऑफिसर बता देंगे फ्रैंकली भैया को, लेकिन तुम चलो चुपचाप से। अरे नहीं मेरे को बताना पड़ेगा। ब्रूनो अब तू दिमाग खराब कर रहा है। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इसके अंदर क्यों बिठा दिया, मुझे डिग्गी में क्यों फेंक दिया सबने, मुझे डिग्गी में क्यों फेंका? ब्रूनो मुंह बंद कर थोड़ी देर के लिए, आप लोग मुझे कहीं फेंकना चाहते हो क्या? ब्रूनो मुंह बंद कर, हिमावारी डिग्गी बंद हो गई ना? हाँ हाँ बंद हो गई बंद हो गई। अरे अरे आप डिग्गी जल्दी से बंद करो, जल्दी से बंद करो। अरे अरे नहीं, अरे डिग्गी में बैठा है अब ये चिल्लाएगा तो गाइस यार इसकी आवाज भी बाहर नहीं जाने वाली, और नहीं तो क्या भाई साहब बहुत ज्यादा ड्रामे कर रहा हूँ। और ब्रूनो कहाँ पे है? अरे अरे मैं, ब्रूनो शांत हो जाए दो मिनट के लिए, अभी बंद कर, दरवाजा बंद हो गया। अरे अरे मेरी सुनो कोई, अरे सर ब्रूनो की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अरे पता नहीं कहाँ से आ रही है, ब्रूनो तो फ्रैंकली भाई के साथ सो रहा होगा। अच्छा हाँ जी सर जी, ब्रूनो तो फ्रैंकली सर के साथ ही सोता है। बाबा सब किसी को पता नहीं चला, आप लेकर के चलो। अरे आप मुझे छोड़ने जा रहे हो ना? पक्की बात है आप मुझे छोड़ने जा रहे हो? अरे आप बहुत गलत कर रहे हो शिनचैन भैया, ये बहुत गलत कर रहे हो आप, मुझे पीछे फंसा करके अरे घर में ही किडनैप कर रहे हो। फ्रैंकली भैया आपको नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा करेंगे। Get ready for the party, man. Okay, so guys, मैं तैयार हो चुका हूँ। ब्रूनो और हम लोग अच्छे से साथ सो रहे थे। भाई देखो शिनचैन हिमावारी पिंचन अपने रूम में सोते हैं, लेकिन ब्रूनो को मेरे से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि ब्रूनो यार मेरे बेड छोड़ता ही नहीं है, तो मैं बोलता कि ब्रूनो बेटा तू मेरे साथ ही सो जा। तो मैं भी यार कोई बात नहीं यार, उसको वैसे मैंने रूम बोल रखा है तो हिमावारी पिंचन चौपो के साथ सो जाएगा क्योंकि ये सारे बच्चे साथ में सोते हैं, लेकिन गाइस वो मेरे से घुस के बैठता है क्योंकि उसको मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, और भाई वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अरे भाई
तो भाई बहुत ज्यादा लगाव हो गया इतने दिनों में कि यार अब तो ब्रूनो का अगर ना देखो तो भाई साहब आत्मा सी कांपने लग जाती है। लेकिन यार ब्रूनो अभी शिनचैन हिमावरी पिंचन ने नीचे बुलाया था तो पता नहीं अभी कहाँ पे गया है। ओहो माइकल भाई क्या हाल चाल। फ्रैंकलिन देख यार तेरी गाड़ी को कितना सही कर दिया है। अरे वाह कितनी गजब कर दिया है। अरे ब्रूनो कहाँ पे है? अरे तेरे को सुबह उठते ही ब्रूनो। अरे यार ब्रूनो यार माइकल भाई हाँ यार तेरे को लगाव भी तो बहुत है उससे। ब्रूनो कहाँ पे है भाई? अरे पता नहीं हिमावरी पिंचन शिनचैन इनके साथ चले गया होगा। एक सेकंड। अरे नहीं सर हमने पूछा था तो शिनचैन सर को भी नहीं पता कि ब्रूनो किधर है। अच्छा सर ओ भाई साहब शिनचैन यार देख बता देगा इसको। अरे नहीं चप्पो यार जाने दो इसको दिमाग चाट रहा है। अरे ओ ब्रूनो पहली बात तो दिमाग खराब मत कर। फ्रैंकली भैया को पता है कि तू यार अभी फ्रैंकली भैया को लगता है कि तू अभी मेंशन के अंदर ही है लेकिन तू हमारे साथ है और मैं फ्रैंकली भैया को बताऊंगा नहीं कि तू गाड़ी के अंदर पीछे बैठा हुआ है। अरे गाइस देखो मेरे साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं ये लोग। मैं करूँ तो करूँ क्या व्हाट टू डू गाइस। फ्रैंकली भैया तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ ये लोग मुझे दरिंदे मार देंगे। अरे ब्रूनो बाबा साहब ये हमें तो एक मिनट में दरिंदा बोलने लग गया। अरे ओ ब्रूनो दो मिनट के लिए शांत होएगा नहीं होएगा हम बस देखना चाहते हैं कुछ। अरे क्या देखना चाहते हो लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? बहुत परेशान कर रहे हो आप लोग मुझे। मेरे को ऐसा मत करो। अरे अरे चुप हो जा ब्रूनो दो मिनट के लिए शांत हो जा। सर आपके पास नहीं सो रहा था क्या? नहीं भाई हमारे साथ तो नहीं था। ब्रूनो ब्रूनो अरे भाई किसी की सुने ना सुने ब्रूनो मेरी आवाज़ ज़रूर सुन जाता है। अरे फ्रैंकलिन ब्रूनो कहाँ है फिर? एक सेकंड मैं शिनचैन से पता करता हूँ। हेलो शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। शिनचैन ब्रूनो अरे फ्रैंकलिन भैया वो आपके साथ सो रहा था हमने भी उसे तंग नहीं किया और वो आपके साथ था तो बात साहब हमारे साथ कोई ब्रूनो ब्रूनो नहीं है तो तुम लोग अकेले निकल गए। बात साहब उसने बोला कि हमें फ्रैंकलिन भैया छोड़ देंगे। जब तो ये नहीं बोलना था। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे फ्रैंकलिन भैया मतलब यार ब्रूनो कह रहा था कि कल रात को कह रहा था कि फ्रैंकलिन भैया मुझे छोड़ देंगे तो अब वो पता नहीं आपके पास ही होगा। नहीं यार घर पे तो नहीं है। घर पे नहीं है ब्रूनो? अरे फ्रैंकलिन भैया फिर कहाँ गया? देख लो कहीं किसी ने का ट्रैप तो नहीं कर लिया होगा। शिनचैन मैंने सारे दुश्मनों को तो मिटा दिया था। फ्रैंकलिन भैया फिर भी हो सकता है। अबे यार भाई ब्रूनो ब्रूनो अरे ब्रूनो अरे यार माइकल भाई ब्रूनो में GPS ट्रैकर लगाना पड़ेगा। बेचारा 7 महीने का वैसे ही बच्चा है उसको पता नहीं कोई भी उठा करके ले जाता है। तुमने सही में नहीं देखा क्या? सर जो यहाँ पे सर हमने निकलते हुए सिर्फ हिमावरी पिंचन इन सबको देखा और हमने ब्रूनो की आवाज़ भी लगाई ब्रूनो ने सुनी नहीं तो भाई वो कहाँ पे होगा ब्रूनो? अरे यार कहाँ पे होगा माइकल भाई? फ्रैंकली कई बार तो नहीं चले गया? तुम घर में छानबीन करो। हाँ जी सर जी अभी करते हैं। फ्रैंकलिन पूरा घर छान मारा नहीं मिला ब्रूनो। अरे कहाँ पे होगा गाइस आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताओ। फ्रैंकलिन सर कहीं पे भी नहीं मिला चप्पा चप्पा छान मारा है तो कहाँ पे होगा? सर मैंने छत पे भी देख लिया लेकिन ब्रूनो नहीं दिखाई दिया। अरे माइकल भाई फिर ये घर से बाहर कोई लेके चले गया उसे। फ्रैंकलिन पर घर से कौन ले जा सकता है? अरे जैसे उस टाइम कोई ले गया था लेकिन यार पहले तो हमें पता चल गया था लेकिन अब कौन लेके गया होगा? अरे यार फ्रैंकलिन यार क्या हो सकता है? गाइस यार आप लोग कमेंट करके बताओ कौन लेकर के गया है कौन लेके नहीं गया है। अरे यार हमारे साथी ऐसा क्यों होता है? अरे माइकल भाई आपको तो पता ही है ना ब्रूनो से मेरे को कितना लगाव हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन और नहीं तो क्या? और उस डर लगता है कि उस 7 महीने के बच्चे पे कोई अत्याचार ना करे। जब से पैदा हुआ है भाई उसको अत्याचार ही सहन करना पड़ रहा है। पहले उसका पहला वाला मालिक अत्याचार करता था अब पता नहीं उसको किसने किडनैप कर लिया है। अरे माइकल भाई वही तो यार गाइस पता नहीं क्या पंगा हो चुका है। गाइस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट बॉक्स में बता दो यार कि किसने किया है किसने नहीं किया है। और गाइस इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है तो दिख ही नहीं रहा है। अरे यार कहीं वो बीच में उसको ज्यादा मजा आता कहीं बीच में तो नहीं आ गया वो? हाँ फ्रैंकलिन हो सकता है कहीं बीच में आ गया हो वो। अरे देखते हैं भाई बीच पर देखते हैं माइकल भाई पता नहीं कहाँ पे होगा वो ब्रूनो। अरे गाइस या पता नहीं जो भी लेके गया होगा ना साले को मैं छोड़ूंगा नहीं बहुत गंदा मारने वाला हूँ गाइस मैं उसको। हाँ फ्रैंकलिन बहुत गंदा मारेंगे उसको जो भी लेकर के गया होगा। अरे यार कौन हो सकता है देखते हैं गाइस बीच पर पे। अरे यार यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा ये तो। अरे फ्रैंकलिन बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पे गया होगा। अरे मैडम सुनो आपने यहाँ पे कोई गोल्डन रिट्रीवर आते हुए देखा छोटा सा बच्चा? नहीं सर हमने नहीं देखा। अरे यार माइकल भाई नहीं आया इधर भी तो फ्रैंकलिन किधर होगा? सारी जगह तो चप्पा चप्पा छान मारी अभी तक हमने। माइकल भाई यहाँ पे देखें यहाँ पे कहीं। हाँ देख ले भाई यहाँ पे ना कुछ कुछ जो चोर होते हैं ना अरे यहाँ पे आकर के छुपाते चीज़ों को। हाँ भाई हमसे अच्छा कौन जान सकता है हमें तो पता ही है इस बारे में। अरे कोई गोल्डन रिट्रीवर देखा है क्या? नहीं जी सर जी हमने नहीं देखा। अरे यार अरे सर जी अब यहाँ पे आते रहते हैं यहाँ पे ना लोग उनको आकर के पानी में डुबो देते हैं। अरे माइकल भाई अरे फ्रैंकलिन तभी तो हम आए हैं बीच में। अरे माइकल भाई लेकिन आपने बोला वहाँ पे वो मिलता है? नहीं फ्रैंकलिन यहाँ पे चोर लाते हैं और यहाँ पे कुत्तों को आकर के पानी में फेंक देते हैं समुंदर में। तो माइकल भाई आप इसलिए लाए थे? फ्रैंकलिन वो तो मैं देखने के लिए लाया था लेकिन यार अभी तक वो मिला ही नहीं है अब मैं क्या करूँ।
ओके सो गाइस, फ्रैंकली भैया हमारे सामने से गए हैं और फ्रैंकली भैया बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे थे हमें। मत करो फ्रैंकली भैया मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, मत करो। अरे यार ब्रूनो, तू दो मिनट रुकना, पता तो चले फ्रैंकली भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ पता नहीं करना, फ्रैंकली भैया मुझे ढूंढ रहे हैं, वही मेरे लिए प्यार है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अरे ब्रूनो, तेरे लिए इतना ही काफ़ी है और नहीं तो क्या, मेरे को इतना ही काफ़ी है। कोई मेरे को पूछता है, कोई मेरे को ढूंढता है, तो भाई मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब फ्रैंकली भैया मुझे ढूंढ भी रहे हैं और मेरे को पूछ भी रहे हैं सारी जगह पर परेशान होके। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, मेरे से फ्रैंकली भैया बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ मुझे ऐसा मत करो, फ्रैंकली भैया के पास ले जाओ। अरे ऐसा करते हैं, ब्रूनो को ले जाते हैं। भाई भाई साहब, ऐसा प्यार हमने कहीं नहीं देखा। गाइस यार, दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। भाई साहब ऐसा करते हैं, भाई फ्रैंकली के पास लेकर ही चलते हैं इसको। लेकिन गाइस बात एक और देखी जाए, अगर यार फ्रैंकली भैया हम भी चले जाने तो फ्रैंकली भैया ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन गाइस ब्रूनो की बात सबसे ज़्यादा अलग है। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ पे मत लेके जाओ, फ्रैंकली भैया दूसरे रास्ते से गए हैं। हाँ हाँ ब्रूनो, चिंता मत कर, लेके चल रहा हूँ मैं तेरे को। अरे जल्दी लेके चलो, आप लोगों ने जो ड्रामे करे हैं ना, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे सॉरी ब्रूनो, बस वो तो हम तो देख रहे थे ना, फ्रैंकली भैया तुझसे भी अभी भी प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। फ्रैंकली भैया कहाँ पे गए हैं, आपको आपने देखा है क्या? अरे फ्रैंकली सर, अरे फ्रैंकली सर बहुत ज़्यादा परेशान थे और फ्रैंकली सर आगे के साथ गए हैं, वो कोई गोल्डन रिट्रीवर को ढूंढ रहे थे। अरे अरे फ्रैंकली भैया बहुत परेशान है, जल्दी लेकर के चलो मुझे। अरे अरे ब्रूनो, लेकर के चल रहा हूँ। अरे वो वहाँ पे कौन खड़ा है? अरे फ्रैंकली भैया, शिनचैन भाई, तेरे को शिनचैन देखा, तेरे को पता चला कुछ ब्रूनो के बारे में? अरे आपको नहीं पता चले क्या? नहीं भाई नहीं। अरे फ्रैंकली भैया, ब्रूनो नहीं मिला क्या आपको? अरे यार अब तो ऐसी हरकतें मत करो यार शिनचैन भैया। तारा, अरे फ्रैंकली भैया मेरी बात सुनो। अरे अरे ब्रूनो तू कहाँ पे था? मेरे को इन लोगों ने गाड़ी के अंदर दबा के रखा हुआ था। शिनचैन, अरे फ्रैंकली भैया वो तो हम देखने चाह रहे थे आपके अंदर कितना प्यार है इसके लिए, ब्रूनो के लिए, या फिर ऐसा ही है? क्या ड्रामेबाजी है शिनचैन तेरी। अरे फ्रैंकली भैया, मैं तो ऐसी मजाक करने की सोच रहा था, तेरे मजाक के चक्कर में कितनी हालत खराब हुई है। अरे फ्रैंकली भी बेवड़े हैं क्या ये बच्चे? बिल्कुल ही पागल है, बुद्धि इनकी खो रखी है बिल्कुल ही। और नहीं तो क्या, मैंने तो बोला था। लेकिन शिनचैन भैया, हिमाबारी तू भी बंद कर, तुम लोग शिनचैन का फिर साइड नहीं देते हो, पहले तुम सभी लोग साथ देते हो। अरे फ्रैंकली भाई, ये सब लोग साथ दे रहे थे, ये लोग मुझे गाड़ी की डिग्गी में बुटा करके सब लिया है और आपके साथ ऐसे ऐसे हरकतें करवाने चाह रहे थे कि वो देखने चाह रहे थे। शिनचैन इस चक्कर में भाई मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे फ्रैंकली भैया सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ब्रूनो तू आवाज नहीं लगा सकता था? अरे मुझे जी वैगन की डिग्गी में छुपा दिया था और उस वजह से मैं सुन नहीं पाया। और एक मिनट, चौपो किधर है? बाबा साहब कल हुआ, मैं तो गाड़ी के अंदर, साले डर के बैठा है तू। बाबा साहब मैं क्या करूं भाई, शिनचैन का प्लान था ये, तो प्लान था तो साथ तो तुम भी दे रहे थे ना, बता नहीं सकता था चौपो तू मेरे को? शिनचैन अब मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। अरे फ्रैंकली भैया माफ कर दो, फ्रैंकली भैया गलती हो गई। ब्रूनो चल तू मेरे साथ बैठ। फ्रैंकली भैया मेरी कोई गलती नहीं है फ्रैंकली भैया। अरे चल बे, दिमाग खराब मत कर, मैं तो अभी सर बस एक मजाक कर रहा था, प्रैंक है ये, प्रैंक शिनचैन ऐसा नहीं होता, अब तू मेरे से बात मत करियो। अरे मैं तो सिर्फ प्रैंक कर रहा था यार, प्रैंक भारी पड़ गया मेरे पे। हाँ अब बहुत भारी पड़ गया है, फ्रैंकली भाई मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग, बताओ यार ऐसे ऐसे करते हैं। मैं तो बस इनसे मिलने के लिए गया था, इन लोगों ने मुझे ऐसा चकमा दे दिया और ऐसा कर दिया। भाई मुझे पता है ये लोगों की बदतमीजी है भाई, ये बदतमीजी करी है गाइस इन लोगों ने। गाइस आपको भी पता ना शिनचैन ने बदतमीजी किया, शिनचैन पे आप लोग भी तरस मत खाना, शिनचैन ने आज तो बदतमीजी करी है भाई, आज मैं उसका सपोर्ट। अरे यार ये तो उल्टा ही पड़ गया यार, फ्रैंकली भैया तो गुस्सा हो गए और गुस्सा हो के चले गए। अरे 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 यार मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन शिनचैन भैया आप मानते किसकी हो, आप सुनते ही नहीं हो किसी की भी। अभी यार देखो ये हरकतें हो गई। अरे यार भाई पिंचन यार, मैंने थोड़ी सोचा था ये होगा, फ्रैंकली भैया बस प्रैंक समझ के थोड़ी देर छोड़ देंगे, लेकिन यार ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा पंगा पड़ गया भाई। अरे यार शिनचैन भैया वो तो पड़ ही गया है। बाप साहब भाई तुम लोग ना मेरे को भी फंसा देते हो। अरे यार चौपो यार तू दिमाग मत चाटिया, तू यार साइड नहीं देता यार चौपो, बिल्कुल वोट नहीं करने वाला बिल्कुल। अरे बहुत बहुत गलत चीज़ है, बता मेरे को डिग्गी के अंदर बंद कर दिया और भाई साहब आपसे दूर कर दिया। अरे ब्रूनो चल चिंता मत कर, आप मेरे को आप इतने घबरा गए थे भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ भाई हाँ, चलो भाई चलो चलते हैं जल्दी से हम, तब तक के लिए आप गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम ब्रूनो को स्कूल अपने हाथों से अपने आप ही छोड़ेंगे और भाई साहब शिनचैन की तो ऐसी की तैसी, इसने जो दिमाग ख़राब किया ना मैं क्या ही बोलूँ। तू बोले ना यार सब समझ जाएगा यार चौपू ब्रो, यार तुम यार ऐसा मत किया करो चौपू, तुम हमसे बड़े हो यार, तुम समझाओगे तो। भाई साहब तेरे को पता भी है फ्रैंकलिन जितना प्यार भी करता है ना भाई साहब, बाद में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और भाई साहब फ्रैंकलिन गुस्सा करेगा तो यही सब होगा। अरे गाइस यार आप लोग बस फ्रैंकलिन भैया को मना लो यार कि वो यार हमें माफ़ कर दे यार, ऐसा ना करें। अरे यार वो अब माफ़ नहीं करेंगे, ऑडियंस भी माफ़ नहीं करेगी, मैं बता दे रही हूँ। अरे अरे हेमा वारी तू ऐसा मत बोली यार, ऑडियंस तो मेरे साथ रहती है। अरे गाइस आप लोग हमारे फैन हो ना गाइस, मतलब अपने दोस्त हो ना गाइस, यार आप लोग बता सकते हो यार प्लीज़ यार फ्रैंकलिन भैया को
करके बोल दो कि यार वो माफ़ करे जल्दी से। गाइस मैं स्कूल की तरफ पहुंचता हूं। हाँ पहुंचो स्कूल की तरफ, अभी वो ब्रूनो को लेके गए होंगे। और नहीं तो क्या गाइस यार, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं होता यार, ये जो लोग करते हैं ये लोग बता यार, के ड्रामे थे इसको छुपा दिया और भाई साहब उसमें हमें डरा दिया भाई खामोखाई। यार अगर इतना लंबा प्रैंक चलाना ही नहीं चाहिए था, वैसे प्रैंक तो लंबा नहीं चलाया लेकिन माइकल भाई जो भी किया उसने गलत ही किया है, गलत तो किया ही है। अरे अरे फ्रैंकलिन सर ब्रूनो का स्कूल पहला दिन। हाँ भाई पहला दिन ही मान लो, कल तो यार इसको पढ़ने नहीं दिया था और आज भी पढ़ने नहीं देते वो लोग, इसे भी इसको भी बिगाड़ देंगे माइकल भाई, वो सही बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं। अरे ब्रूनो उसकी भी तरफदारी मत कर यार। हम स्कूल की तरफ पहुँचने वाले और बताओ अभी फ्रैंकली भैया अभी स्कूल से निकले नहीं होंगे, मतलब वो अभी ब्रूनो को छोड़ ही रहे होंगे। तो गाइस यार उतनी देर में हम जाकर के माफ़ी मांगने की एक और बार ट्राई करते हैं कि फ्रैंकली भैया माफ़ कर दें भाई, आज के बाद कभी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, बस वो तो हम छोटा सा प्रैंक कर रहे थे और भाई साहब इतना बड़ा पंगा फंस गया। भाई साहब पंगा तो बहुत बड़ा ही फंस गया था। भाई साहब आराम आराम से लेके चल। अरे अरे फ्रैंकली भैया है ना, अरे यही रहे यही रहे भाई यही रहे। अरे अरे क्या कह रहे भाई, अरे फ्रैंकली भैया सॉरी फ्रैंकली भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो फ्रैंकली भैया गलती हो गई। फ्रैंकली भैया मैं पैर पड़ता हूँ, हाथ छूता हूँ, मुँह छूता हूँ, फ्रैंकली भैया माफ़ कर दो, मुँह तो नहीं छूंगा बड़ा गंदा है लेकिन फ्रैंकली भैया माफ़ कर दो। बीच में क्या बोल गया तू, मुँह तो नहीं छूंगा बड़ा गंदा है, क्यों बोला तूने? अरे फ्रैंकली भैया सॉरी यार, फ्रैंकली भैया अब माफ़ कर दो यार, प्लीज़ माफ़ कर दो यार फ्रैंकली भैया, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा भाई। फ्रैंकली भाई मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई, फ्रैंकली भैया माफ़ कर दो प्लीज़ यार, शिनचैन भैया को ये भी दिल के अच्छे हैं, ये इन्होंने मेरे को तंग नहीं किया बिल्कुल भी, आप फ्रैंकली भैया माफ़ कर दो ना प्लीज़ यार, ये भी तो मेरे भाई बहन है फ्रैंकली भैया। ठीक है ब्रूनो अगर तू कहता तो माफ़ कर दो शिनचैन, लेकिन इसके बाद ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और तू हिमावरी पिंचन तुम लोग भी सुन, लोग सुधर जाओ। अरे हाँ अब तो हम साइड ही नहीं देने वाले शिनचैन भैया का, ये हमें भी फंसवा देते हैं। अरे और नहीं तो किसी, फ्रैंकली भैया मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ। अरे वो पिंचन तू भी अब इनके साथ ही होते जा रहा है। अब आज सब फ्रैंकलिन माफ़ी दे दे भाई माफ़ी, वो ड्रामे मत कर, तेरे को मैं माफ़ी नहीं दूंगा बात सब प्लीज़ यार, कल वो ऐसा नहीं होता यार। ठीक है चल तेरे को माफ़ किया। अरे फ्रैंकली भैया फिर पढ़ने जाएं? हाँ भाई तुम लोग पढ़ने जाओ और माइकल भाई और मैं जाते हैं किसी काम से। ठीक है फ्रैंकली भैया, तो गाइस हैप्पी हो गया सब कुछ, तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, चलो भाई अब स्कूल जाओ। हाँ फ्रैंकली भैया, हाँ भाई हाँ अभी हम भी चलते हैं किसी ज़रूरी काम से। हाँ भाई, अरे कौन सा ज़रूरी काम, तुमसे मतलब जा रहे हो नहीं जा रहे हो काम करने के लिए? अरे यार माइकल भैया गुस्सा मत करो। हाँ अब माफ़ किया है, इसका मतलब ये नहीं है सुबह शाम तक ही मूड ठीक होगा हमारा। अरे यार ठीक है ना, ठीक है यार हम कुछ नहीं बोल रहे, तब तक तो हम स्कूल से ही आएंगे, तब तक मूड ठीक रखना। आइसक्रीम वाइसक्रीम खाओ वनीला वाली, मेरी तरफ से बिल मेरे खाते में रख लेना। माइकल भाई वैसे बोलता बड़ा तगड़ा है, अरे और नहीं तो क्या, बोलता तो इतना तगड़ा है भाई साहब, हंसी दिलवाई देता है एंड में। हंस गए हंस गए, अब कहाँ से सुन रहा है बाकी टकी, चुपचाप से गाड़ी में रख दो बाकी टोकी को। अरे वो तो मैं रख ही रहा था, आई जस्ट अबाउट टू। अबे ओ चुप बैठ अपना अंग्रेज, मैं तो बस बोल रहा था ऐसे ही करके, आप तो मेरी बेइज्जती मार देते हो। चल भाई फोन रख अपना, चलो वॉकी टोकी रखो। अरे फ्रैंकलिन यार ये भी बच्चे भी ऐसा दिमाग खराब करते हैं ना। अरे भाई दिमाग खराब क्या, दिमाग की दही भाई सब कुछ, बैगन भुरता सब बना दिया इन लोगों ने। गाइस ऐसा कोई करता है क्या, लेकिन यार यही लोग कर सकते हैं, और जो कि इन लोगों ने करके भी दिखाया और खोपड़ी इतनी गंदी तरीके से भिन्ना दी है कि मैं क्या ही बोलूँ गाइस, ऐसा कौन करता है भाई, लेकिन भाई यही लोग नहीं कर सकते हैं। ओ भाई आराम फ्रैंकलिन आराम से चला यार। अरे माइकल भाई आपको पता नहीं है कि जेस्को है ये, जेस्को आराम से चल ही नहीं सकती, ये कहती है कि मुझे तो बस भगाओ, अगर मैं आराम से चली तो भाई मेरे को बेच दो। अरे अरे हाँ ये बात तो है गाइस, इस गाड़ी का ना ये बोलने का तरीका है, मतलब ये ना अगर हम इसको धीरे चलाएंगे ना तो पता नहीं क्या होता है, ये अपने आप ही स्पीड बढ़ा लेती है। अब देखो फ्रैंकलिन तू इसको ना 70 की स्पीड में चला, अब देखो गाइस मैं इसको 70 की स्पीड में चला रहा हूँ लेकिन मैं कोई एक्सीलेट नहीं दूंगा, ठीक है, गाड़ी धीरे ही है। अब ये गाड़ी ना अपने आप ही देखो अपने आप ही स्पीड पकड़ लेगी एकदम से ही गाइस, ये खुद चलना ही नहीं चाहती, इसका सिस्टम बहुत ही अलग है, 5 सेकंड तक अगर इसकी स्पीड कम है तो ये भड़वा देगी। अरे फ्रैंकलिन और नहीं तो क्या गाइस, इसलिए हमें ना ब्रेक लगा करके रखना पड़ता है क्योंकि जाम वाम में तो ये फंसा देगी, लेकिन लॉस सैंटोस में इतना जाम होता नहीं और जाम तो हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको पता ही है आपका भाई है लॉस सैंटोस का मालिक पुलिस ऑफिसर, तो भाई अपन को तो कोई डर ही नहीं होता इस चीज़ों का। और क्या बात, तो ये बात तो सही है तेरी, करेक्ट बिल्कुल राइट एंड श्योर एंड प्रीटी श्योर। अरे बस सारी अंग्रेजी आज ही बोल दोगे क्या, क्यों भाई बोलने में कोई गलती तो नहीं है? अरे वैसे कल मैं गया था पीएस गया पीएसएस गेमर के पास। अरे अरे क्या हुआ, अरे अरे एक सेकंड ओ भाई लक्कड़ बक्का ये तो गया, और पीएसएस गेमर के पास गया था और पीएसएस गेमर को बुकाडी सेंटो देखे गया अपनी। अरे अरे तो पीएसएस गेमर ने क्या बोला? बस कुछ नहीं, बुकाडी सेंटो सेंटो डीसी अपना वो तैयार वो करेंगे उसकी क्या बोलते हैं टेस्टिंग वेस्टिंग, अब पता चलेगा उन्हें। मैं चाहता हूँ कि यार उनकी भी कलेक्शन बननी चाहिए अच्छी तरीके से। और क्या फिर उसकी कलेक्शन पीएसएस गेमर की और भाई हमारी कलेक्शन क्या तगड़ी तरीके से भगाएंगे भाई। और क्या भाई फिर तो भाई गाड़ियाँ जो भगेगी, और उसको जेस्को दी थी क्या? जेस्को की तो भाई वो तारीफ करते करते नहीं थके भाई, जेस्को तो बहुत ज़्यादा गजब की गाड़ी है। अरे अरे अच्छा।